बहुत ही जल्द स्टार प्लस का पॉपुलर टीवी शो बंद होने वाला है और बंद होते ही उस टीवी शो को रिप्लेस करेगा स्टार प्लस का नया टीवी शो। क्या है बात, क्या है पूरी खबर, चलिए आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताते हैं। दरअसल राजन शाही जो जाने जाते हैं सुपरहिट सीरियल बनाने के लिए, राजन शाही के इन दिनों स्टार प्लस पर एक से बढ़कर एक टीवी शो टेलीकास्ट हो रहे हैं जो टेलीविजन में अपना डंका बजा रहे हैं, जिनमें शामिल है अनुपमा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बातें कुछ अनकही सी, और इन्हीं में से एक पॉपुलर टीवी शो है जो राजन शाही का ही है जो ऑफ एयर होने वाला है। ऑफ एयर की घोषणा भी हो चुकी है और उसका डेट भी सामने आ चुका है और उस टीवी शो का नाम है बातें कुछ अनकही सी। इसके बारे में हम पहले भी अपने वीडियो में इंफॉर्मेशन दे चुके हैं कि बातें कुछ अनकही सी बंद होने वाला है। हालांकि डेट सामने नहीं आई थी लेकिन हमने कहा था मार्च के एंड वीक तक ऑफ एयर हो जाएगा और ऐसी ही कुछ खबरें कर सामने आ चुकी है जिनमें मेन लीड किरदार निभाते हुए नजर आते थे टीवी एक्टर मोहित मलिक, जो इस टीवी शो में कुणाल मल्होत्रा का किरदार निभाते थे। इनके अपोजिट टीवी एक्टर सयाली सालुके नजर आती थी जिनके किरदार का नाम वंदना था। इस टीवी शो की शुरुआत 21 अगस्त साल 2023 से हुई थी लेकिन अब मजबूरन इस टीवी शो को लो टीआरपी की वजह से 11 मार्च 2024 को ऑफ एयर करना पड़ रहा है। इस बारे में खुलासा खुद शो के मेन लीड कास्ट कर चुके हैं और इनका इंटरव्यू भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, क्योंकि ऑनलाइन टीआरपी में अच्छी खासी इसकी टीआरपी है लेकिन ऑफलाइन टीआरपी में इस शो की टीआरपी काफ़ी ज़्यादा लो है। और इस टीवी शो को रिप्लेस करेगा स्टार प्लस का ही न्यू टीवी शो जिसका नाम है दोस्तों उड़ने की आशा, जो 12 मार्च से रात 9 बजे से स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होगा। मेन लीड की बात की जाए तो इसमें कन्वर ढिल्लन और इनके अपोजिट नेहा हसरोरा की जोड़ी नजर आने वाली है। इनकी जुगलबंदी आपको इनकी केमिस्ट्री देखने को मिलेगी स्टार प्लस पर और ये टीवी शो रिप्लेस करता हुआ नजर आएगा बातें कुछ अनकही सी। अब मजबूरन है कि बातें कुछ अनकही को लो टीआरपी की वजह से शो के मेकर्स ने आनन फानन में ये फैसला लिया है लेकिन अब ये बात पूरी तरह से फिक्स हो चुकी है कि शो की अंतिम पड़ाव पर है और अंतिम पड़ाव पर आखिरी एपिसोड टेलीकास्ट